हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BHDE 143 प्रेमचंद, जिसके अंतर्गत हम प्रेमचंद का साहित्य, जिसमें आज का टॉपिक जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे वह है प्रेमचंद का परिचय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो यह इकाई एक है, खंड एक है, तो आज इसके इकाई एक को हम पढ़ेंगे और यह क्रमबद्ध तरीके से इकाई दो, इकाई तीन, इकाई चार सभी विषयों पे मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जो BHDE 143 है इस विषय पे आपकी गहरी समझ बन सके और इस पे बनने वाले प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सके। इसके लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जो जन्म है, वह जन्म उनका 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास एक लम्ही नामक गांव पड़ता है, वहां हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। जो अक्सर हम नाम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद, इस नाम में जो आप मुंशी देखते हैं वह शायद इनके पिता के नाम से ही जुड़ा हुआ है और यही परंपरा उन्होंने अपने नाम के साथ ही बनाए रखा, इसलिए प्रेमचंद के नाम के साथ हमें मुंशी जुड़ा हुआ दिखता है। इनके बचपन का नाम जो इनके स्कूल में लिखवाया गया था वह था धनपत राय श्रीवास्तव। साहित्य लेखन के लिए उन्होंने नवाब राय नाम तय किया। जब उन्होंने साहित्य लेखन प्रारंभ किया तो उन्होंने अपना जो वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव वह न रख के उन्होंने नवाब राय के नाम से साहित्य लेखन करना प्रारंभ किया। इसी नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना प्रारंभ किया। 8 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था। बाद में इनके पिता ने भी दूसरा विवाह किया। इस विवाह से जो माता प्राप्त हुई उनके साथ प्रेमचंद का अच्छा संबंध नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि उनके आपस में अनबन रहती थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। इसके बाद प्रेमचंद का विवाह हो गया। पत्नी से भी प्रेमचंद की पटरी नहीं बैठी। कहते हैं कि विमाता और उनकी पत्नी ने भी पत्नी से भी संबंध अच्छे नहीं थे। इस गृह कलह तथा अन्य कारणों से प्रेमचंद ने उन्हें त्याग दिया। उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अपने भाइयों के पास ही रही। प्रेमचंद ने पुनः विवाह कर लिया। इस बार उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो जीवन भर उनके साथ रहीं। इस विवाह का कारण आर्य समाज के प्रभाव को माना जाता है। फिर जल्दी ही प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया। तब परिवार की सारी आर्थिक सामाजिक जिम्मेदारी प्रेमचंद पे आ गई। प्रेमचंद के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पर्याप्त शिक्षा दी, लेकिन पुत्री को ज़्यादा नहीं पढ़ाया तथा उसका जल्द ही विवाह भी कर दिया। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई थी, इसलिए उनकी हिंदी पे अच्छी पकड़ नहीं थी, जबकि उन्हें उर्दू में महारत हासिल थी। इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो प्रारंभिक लेखन है वह अधिकतर उर्दू में ही लिखा था उन्होंने। बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी की तरफ लेखन का क्रम आगे बढ़ाया और उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक उपलब्ध जो रचना है वह अलिवर क्रॉमवेल की जीवनी सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। यह निबंध दया नारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र जमाना में प्रकाशित हुआ था। उनका पहला उपन्यास जो था हम खुरमा और हम शबाब, जो कि 1906 की रचना मानी जाती है। उनकी पहली कहानी जो थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वह 1907 में लिखी थी उन्होंने। उनका पहला कहानी जो संग्रह है सोजे वतन, वह 1909 में छपा था।
इस संग्रह में देश प्रेम की भावुक ललकार मिलती है। कहते हैं कि सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय एक ही व्यक्ति हैं। तब तत्कालीन जिलाधीश ने प्रेमचंद को बुलाकर डांटा फटकारा और भविष्य में ऐसी कहानियां न लिखने की हिदायत देकर इस संग्रह को जब्त कर लिया। जो उनका जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, उसमें देश के प्रति प्रेम की भावना की झलक मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद लोगों में देश भावना जागृत होती थी। ऐसी कहानी ऐसी लेखन को देख करके जो अंग्रेजी सरकार थी उसके जो तत्कालीन जिलाधीश थे उस जिला के अंदर, उन्होंने प्रेमचंद को बुला करके इस प्रकार के लेखन करने से मना किया और उन्हें भविष्य में ऐसी कहानियां न लिखने की हिदायत देकर उनका जो संग्रह था कहानी संग्रह सोजे वतन जो 1909 में छपा था उसे जब्त कर लिया। सरकारी नौकरी करते हुए अपने नाम से देशभक्ति का साहित्य लिखना प्रेमचंद के लिए संभव नहीं था, इसलिए पहले भी उन्होंने धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से लेखन नहीं किया। लेखन के रूप में नवाब राय नाम चुना, परंतु सरकार को पता चल गया तब फिर नए नाम की खोज हुई। उन्होंने अपने मित्र दया नारायण निगम से चर्चा की और प्रेमचंद नाम से लेखन करने का निर्णय किया। जो मुंशी प्रेमचंद का नाम, जिस नाम से हम प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, वह वास्तव में उनका वास्तविक नाम नहीं था। उनका वास्तविक नाम तो धनपत राय श्रीवास्तव था, पर अपने लेखन के लिए उन्होंने अलग अलग नाम चुने, जिसमें नवाब राय एक नाम था जो कि देशभक्ति परक लेखन लिखने की वजह से उन्हें हिदायत दी गई और वो देशभक्ति लेखन इस नाम से अब दोबारा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक नया नाम चुना प्रेमचंद। प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी जो 1910 जो कहानी थी वह पहली बार छपी। इसके बाद सभी लोग प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से ही जानने लगे। क्यून्स कॉलेज बनारस से प्रेमचंद ने 10वीं की परीक्षा पास की। 1899 में प्रेमचंद ने सहायक अध्यापक की नौकरी करनी प्रारंभ की। उनका वेतन 18 रुपया मासिक तय हुआ। प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है कि वे गणित में कमजोर थे। मिशन स्कूल चुनार से उनके शिक्षक जीवन का प्रारंभ हुआ। कई शहरों में उनका तबादला हुआ। बहराइच, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर वे रहे। बाद में महोबा, गोरखपुर, कानपुर में भी उनकी नियुक्ति रही। जुलाई 1902 में वे शिक्षक की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद गए। यहाँ उन्होंने जूनियर सर्टिफिकेट टीचर की उपाधि धारण की। इस उपाधि में लिखा है, गणित पढ़ाने के योग्य नहीं रखते, चाल चलन संतोषजनक है और समय के पाबंद हैं। धनपत राय ने अपना काम खूब मेहनत से और अच्छी तरह किया। 1904 में प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी में स्पेशल वर्नाकुलर की परीक्षा पास की। प्रेमचंद को पढ़ने का बचपन से ही शौक था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस वक्त मेरी उम्र 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल ना जानता था, उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। मौलाना सरण, पंडित रतननाथ सरसार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाएं जहां मिल जाती थी स्कूल की याद भूल जाते थे और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेते थे। उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी। उर्दू के अनेक अनुवाद धराधर निकल रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे। मैं भी उनका आशिक था। स्वर्गीय हजरत रियाज ने, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका जिनका हाल में ही देहांत हुआ, रोनाल्ड की एक रचना का अनुवाद हरम शरा के नाम से किया था। उसी जमाने में लखनऊ के साहित्यिक, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर एग्ज़ाम में इनके ऊपर इनकी जीवनी के बारे में प्रश्न आता है तो आप जो हमने आपको पढ़ा है और जो आपको समझाया है उसे आप याद रखेंगे और उसका अगर आप 70% भी लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। साथ ही देख लेते हैं अगर इसमें कुछ वैसा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो भी, इस पर भी नज़र डालते हैं। यहाँ देखते हैं जो
प्रेम मुंशी प्रेमचंद थे वह महात्मा गांधी से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो वह गांधी से कहाँ मिले, कैसे मिले, इसी श्रृंखला को भी देख लेते हैं। उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी इलाहाबाद पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। स्वयं प्रेमचंद इस सभा में उपस्थित थे। कहते हैं कि गांधी जी को सुनने के लिए 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने जनता से सरकार के असहयोग की अपील की। इसका प्रेमचंद के मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। घर परिवार में पत्नी से सलाह करके उन्होंने 15 फरवरी 1921 को सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चले गए और चरखे का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने मड़वाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि कई निजी संस्थानों में अध्यापकी की, परंतु वे कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहे। इसी बीच उन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी किया। कुछ दिनों तक उन्होंने मर्यादा का संपादन भी किया। अस्थाई आमदनी के लिए प्रेमचंद प्रयासरत थे। इसी क्रम में उन्होंने जुलाई 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। प्रेमचंद ने उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में एक कहानी प्रकाशनार्थ भेजी, पंचों में ईश्वर। सरस्वती के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को सुधार दिया और जून 1916 को सरस्वती में पंच परमेश्वर शीर्षक से यह कहानी प्रकाशित हुई। अब प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे। वे अपनी रचना पहले उर्दू में लिखते थे तथा बाद में स्वयं ही उसे हिंदी में लिखते थे। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। बाजार ए हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की और तब उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। बाद की सभी रचनाएं इसी तरह हिंदी और उर्दू में आगे पीछे छपती रही और वे हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के मान्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सरस्वती प्रेस की स्थापना के बाद भी प्रेमचंद की आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हुई। इसके लिए वे दुलारे लाल भार्गव की गंगा पुस्तकमाला लखनऊ में साहित्यिक सलाहकार बनकर गए। यहां उनका वेतन 100 रुपये मासिक तय हुआ। सितंबर 1924 से सितंबर 1925 तक प्रेमचंद लखनऊ में रहे और उसके बाद वापिस लम्ही आ गए। इसके 1.5 साल बाद प्रेमचंद पुनः लखनऊ गए। इस बार उन्हें प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादक बनाया गया। प्रेमचंद के साथ कृष्ण बिहारी मिश्र भी थे। यहाँ पर वे लगभग 6 वर्ष तक रहे। सरस्वती प्रेस बनारस से चल ही रहा था। इस दौरान उनके जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटना घटी। 1924 में ही अलवर नरेश ने प्रेमचंद को अपनी रियासत में बुलाया। उनका वेतन 400 रुपया प्रस्तावित किया तथा इसके साथ बंगला मोटर और नौकर चाकर सबकी व्यवस्था की हामी भरी थी। प्रेमचंद ने नम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस तरह उन्हें अंग्रेज सरकार राय साहब का खिताब देना चाहती थी, इसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लेखक थे, अतः उनके मन में इन दोनों भाषाओं की एकेडमी बनाने की इच्छा रहती थी। मार्च 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन हुआ। प्रेमचंद इसकी काउंसलिंग के सदस्य थे। इस एकेडमी ने प्रेमचंद को रंगभूमि उपन्यास पर 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया था। धीरे धीरे प्रेमचंद हिंदी संसार के प्रतिष्ठित लेखक हो गए और उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। इसी दौरान प्रेमचंद पर 2 गंभीर आरोप भी लगे। अवध उपाध्याय ने क्रमिक लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनका उपन्यास रंगभूमि वेनिटी फेयर की नकल है तथा प्रेमाश्रम रिजेक्शन की नकल है। इसी के साथ ही साथ रामकृष्ण शुक्ल, सिलीमुख ठाकुर, श्रीनाथ सिंह और ज्योति प्रसाद निर्मल ने प्रेमचंद पर 2 आरोप लगाए। एक वे ब्राह्मण विरोधी हैं और दूसरे वे घृणा के प्रचारक हैं। उस काल की हिंदी पत्रिकाओं में इन बातों की खूब चर्चा हुई। जनवरी 1928 में माधुरी में पंडित मोटेराम शास्त्री शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई। इस कहानी पर किन्हीं शास्त्री जी ने प्रेमचंद्र पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा खारिज हो गया।
1931 में प्रेमचंद ने माधुरी का संपादन छोड़ दिया तथा मई 1932 में लखनऊ की नौकरी छोड़ दी। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था। तो आज के इस वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, उनके जीवन के क्रमिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया है, ताकि अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उसका आप सरलतापूर्वक उचित शब्दों में उत्तर दे सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों टॉपिक पे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।